कहीं कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यहाँ सीधा महागठबंधन की लड़ाई, इंडिया गठबंधन की लड़ाई एनडीए गठबंधन से है, भारतीय जनता पार्टी से है। तो जो उम्मीदवार हमारे गठबंधन के हैं, कांग्रेस पार्टी हो चाहे वामपंथी पार्टियां हो चाहे मुकेश सहनी जी के, सब लोगों ने मिल करके वहाँ बीमा भारती जी को उम्मीदवार बनाया है। वैसे लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सब लोग चुनाव लड़ते हैं, तो 4 जून को पता चल जाएगा। मैंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि पप्पू यादव जी कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य नहीं हैं। इंडिया गठबंधन से जो सीटें कांग्रेस पार्टी को 9 मिली हैं उसमें पूर्णिया नहीं है। पूर्णिया में बीमा भारती आरजेडी के मात्र कैंडिडेट नहीं हैं, वो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार है और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बीमा भारती को चुनाव जिताने में खून पसीना बहाएगा। इससे इतर कोई भी प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के बैनर या झंडा का प्रयोग करता है, उपयोग करता है, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। भाई, ये बिहार में जो महाठगबंधन है इसका एक नया ठगी का चेहरा है ये। पप्पू यादव को तो शुद्ध रूप से, प्रत्यक्ष रूप से लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस ने राजनीतिक रूप से ठग लिया। पप्पू यादव की राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की गई, पर अभी जो माहौल लग रहा है उसमें तो लग रहा है कि न सिर्फ पप्पू यादव अपितु बीमा भारती को भी ठगा जा रहा है। राजद ने तो सारी टिकटें बेची हैं, अपने परिवार के अलावा जितनी भी टिकटें राजद ने दी हैं। जो व्यक्ति जमीन के बदले नौकरी देता हो, जो व्यक्ति पशु के चारे में भी घोटाला कर लेता हो, उससे तो हमें उम्मीद करते ही हैं कि वो टिकट देने में भी घोटाला किए हो। तो अब तो लग रहा है कि बीमा भारती से जो लेना है वो लेने के बाद बीमा भारती को डमी कैंडिडेट की तरह यूज़ किया जा रहा है। बीमा भारती को भी ठग लिया और पप्पू यादव की राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की।